अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़। और दिल की आवाज़ के साथ मही वाहिद हाशमी आज हम शहर बेंगलोर में सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी में हैं। जिस तरह हर साल की तरह एक हमारे एक मशहूर मरूफ शख्सियत जो आगा सुल्तान साहब जो हमेशा की तरह हुसैन डे मनाते हैं, आज उन्होंने 31st हुसैन डे बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी अजमत के साथ यहाँ पर मनाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जो शायर, बहुत सारे सूफी सिंगर यहाँ पर मौजूद थे। चलिए पूछते हैं हमारे आगा सुल्तान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है, इनकी मौला हुसैन की मोहब्बत को इनको मेरा सलाम है, अल्लाह मौला सलामत रखे इनको। जैसा कि दोस्तों मैं एक शेर से मेरी इसका आगाज़ कर दूँ, अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का, एक पल की थी जिंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। चलिए पूछते हैं हमारे आगा सुल्तान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है आज इस मौला हुसैन के मौके पर, मौला हुसैन डे के दिन। जैसा कि आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो क्या कहेंगे आगा सुल्तान साहब आप मौला हुसैन की मोहब्बत में हुसैन डे के मौके पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का जी, जिसने हिदायत दी और कामयाबी भी दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक हिस्टोरिक एग्जांपल है। वो ये उनकी जो कुर्बानी थी और उन्होंने जिस दौर से और जिस जुल्म जैसा जुल्म उठाया है शायद कोई नहीं रहा है, किसी को नहीं हुआ, किसी को ना होना चाहिए। उनकी कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि इट वॉज टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। यजीद एक टायरेंट था और उस दौर का गवर्नर था, वो इस्लाम को मिटाना चाहता था। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम पेश किए उसको ख़तरा था और उन्हीं के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाया और आज हम यहाँ पे हैं उनकी बदौलत। बेशक देयर इज़ ओनली वन यू नो मेजर लेसन इज़ टॉलरेंस, सब्र। अगर हम सब्र करें तो मैं समझता हूँ कि जो भी नफ़रतें हैं, जो भी आज एक कौम से दूसरा कौम की लड़ाई है, सब्र अगर आ जाए तो ये लड़ाई नहीं होगी। कुर्बानी का जज्बा चाहिए, एक जयती चाहिए, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। एंड इंशाल्लाह आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पॉलिटिकल लीडरशिप आई, इस्लामिक स्कॉलर्स आए, इंटेलेक्चुअल्स आए और आई एम श्योर और हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार साहब, कश्मीर के शेयर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो प्रेसिडेंट कालकी धाम के फाउंडर हैं संबल से, वो आए और बहुत से स्कॉलर्स आए। यहाँ पे सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी एक एग्जांपल है। यहाँ के फादर वाइस चांसलर रेवरेंड फादर विक्टर लोगों ने जो हमको ये दिया है इसका कोई चार्ज नहीं। वो कहते हैं कभी भी आप इमाम हुसैन के लिए हमारी कैंपस खुली हुई है, एनी टाइम यू कैन यूज़ इट, इट इज़ फॉर यू, वी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। चार्जिंग से ज़्यादा उनकी पूरी टीम स्टाफ हमको मदद की है और हमारे वॉलंटियर्स भी मदद किए हैं, प्रेस और मीडिया भी साथ दिए हैं और अल्लाह भी साथ दिया है। आज का मौसम बहुत अच्छा था, इंशाल्लाह एवरी ईयर वी विल कम बैक अगेन फॉर द 32nd एनुअल हुसैन डे जी। एंड आई थैंक यू माशाल्लाह आप आकर इस कवरेज किए, एंड आई एम श्योर आप जैसे सहाफ़ी हु आर प्रोएक्टिव विल टेक फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक्रॉस द ग्लोब। मैं हर वक्त बोलता हूँ
हुसैन इज फॉर ऑल। थैंक यू। दोस्तों अभी भी आपने हमारे आगा सुल्तान साहब की दिल की आवाज़ सुनी। ये बड़े अच्छे इंसान हैं और ये मौला हुसैन का जो हुसैन डे जो बनाते हैं सब, जो आप हुसैन डे बरसों से जो मनाते हुए आ रहे हैं, जो आज 31st हुसैन डे आपने मना दिया है, आपकी इस मोहब्बत को और अजमत को सैयद वहीदुज़मान हाशमी होस अली शाह खादरी अल हुसैनी का सलाम है। मौला सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुशोआबाद रखे, सलामत रखे और लंबी उम्र के साथ रखे। हमेशा आपको हुसैन डे बनाने की मौला ताकत और हिम्मत।